बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा दूसरा प्लांट है। इससे पहले मैंने एक और प्लांट की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है, उसमें भी मैंने ये लगा दिए थे तोरियों के बीज और ये तोरियों के पौधे निकल आए हैं, छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से पौधे, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उस पौधे के यहाँ पे छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने पौधे निकल रहे थे, तो इसी तरह जब पिछले साल निकले थे तो मैंने ये पौधा लगाया था। ये उसी पौधे का छोटा सा नन्ना मुन्ना शाख है, नन्ही मुन्नी सी, जो फूट के उसकी जड़ में से निकली है। तो मैंने इसको इस प्लांट में शिफ्ट किया था, तो ये लगा हुआ है, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द भी मैंने ये लगाए हैं, तो ये पता नहीं ये लीव्स पीले क्यों हो रहे हैं, बाकी सारे ओके हैं, लेकिन ये वाला लीव ख़राब है। और ये उखड़ गया है, इसको मैं इधर ही लगाती हूँ, गहरी जगह बना के, ताकि बल्कि इधर कर देते हैं, ताकि अगर इसके अंदर से भी पौधा निकलना है तो वो निकल आए इस तरह से। तो इंशाल्लाह ये हमारे तोरियों के बहुत ज़बरदस्त पौधे बन जाएंगे। इनको हम बड़े गमलों में शिफ्ट करेंगे और लगा देंगे, तो इंशाल्लाह तोरियों पे फल भी आएगा बहुत ज़्यादा, और ये तरोताज़ा हेल्दी रहेंगे। इन पे मिट्टी लगी हुई है, ये सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे साफ सुथरे हैं। पॉट में मिट्टी फुल नहीं भरनी चाहिए, जैसे मैंने इतना खला रखा हुआ है, इतना खला लाजमी है। अगर ज़्यादा मिट्टी भर देंगे तो फिर हमारे पौधों को सही तरह से कवर नहीं कर पाते। जब भी एलोवेरा के लीव्स तोड़ने हो तो यूँ जड़ से तोड़ें। ये मैंने जड़ से तोड़े थे, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े बढ़ गए हैं। हम यहाँ से काट के इस्तेमाल करें तो ये नए से नया लीव निकलता रहता है इसका। ये देखें, अब इसको पैदा होते ही किसी ना किसी चीज़ की लग गई है, फफूंदी सी लगी है जो इसमें सुराख कर गई है। और माशाल्लाह ये हमारा पौधा बिल्कुल हेल्दी है। शायद ये बीज कमज़ोर होगा या कोई वजह इसको बनी है, क्योंकि वही प्लांट है, वही मिट्टी है, वही पानी दोनों को लगा है, लेकिन ये थोड़ा हेल्दी है। और पनीरी ज़्यादा लगा लें आप, ताकि जो हेल्दी प्लांट्स हों वो हम शिफ्ट कर लें पौधे हेल्दी, और जो इस तरह के हो जाते हैं फिर वो ना शिफ्ट करें, लगा लें अगर हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो इस तरह के हेल्दी पौधे बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको अपनी तोरियों की मुकम्मल वीडियो बना के शेयर करूंगी एंड तक, जब इनके साथ फल फूल बीज, और ये भी बताऊंगी कि ये कितने दिनों में, मैंने एक रात के लिए इसके बीज भिगो के रखे थे एक रात के लिए, और सुबह को उठ के मैंने इनको मिट्टी में दबा दिया, तो एक दिन के बाद इनके हल्के से निकलने शुरू हुए हैं। तो ये पौधा चार दिन का है, आज चार दिन पूरे हो गए, ये चार दिन का पौधा है, तो हम इनको तकरीबन अब दो दिन और रहने देंगे यहाँ पे, इसके बाद हम इसको शिफ्ट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आएंगी। ये भी माशाल्लाह बहुत हेल्दी है, ये देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचते रहें।